हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि जीआरएफ से रिलेटेड है और साथ ही साथ जो है वो आरए पोजीशन से रिलेटेड है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके और आप मेरा जो वीडियोज हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इसके तो हम बात करते हैं जीआरएफ और आरए पोजीशन के लिए। तो ये कहाँ पे निकली है उसको हम देख लेते हैं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आप गूगल पे टाइप करिए CIAB सियाब। तो जैसे आप सियाब टाइप करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, इसे हम लोग सियाब बोलते हैं जो कि वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.siab.res.in पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ कि सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग। तो ये है सियाब जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फॉर द पोजीशन ऑफ जीआरएफ एंड आरए और इसकी लास्ट डेट उन्होंने मेंशन की 15 सितंबर 2020। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस इस टाइप का ओपन होके आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखा है एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फॉर द पोजीशन ऑफ जीआरएफ एंड आरए एंड द लास्ट डेट 15 सितंबर। इसके साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है। तो अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल दे रखी है। तो आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये ओपन हो गया, सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग जो भी नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या है एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है और जो लास्ट डेट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो 15 सितंबर 2020 से पहले आपको ये जो पोजिशन है उसके लिए अप्लाई करना है। तो देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, ये जो एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो फंडिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी या DBT से आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये मनाली सासनगर मोहाली में यानी कि पंजाब में स्थित है। तो इसमें हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट। सो देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट डिटेल्स और वैकेंसीज कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो हम लोग ने ऑलरेडी इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम लोग ने डाउनलोड कर लिया है। तो चलते हैं हम देख लेते हैं जीआरएफ पोजीशन की। देखिए जीआरएफ पोजीशन पे विद ओन फेलोशिप, ठीक है। तो जीआरएफ का जो बायोटेक्नोलॉजी है के अंदर जो पोजीशन निकाली है वो वन पोजीशन, इसकी एज लिमिट 28 ईयर्स है, फेलोशिप एज पर फेलोशिप अवार्डिंग एजेंसी, ठीक है। जो फेलोशिप जो भी मिलेगा, जो भी चाहे वो प्रोजेक्ट जिससे बिलोंग करता है, चाहे वो DBT से हो, चाहे वो CSIR से हो, चाहे SGMR से हो, ठीक। क्वालिफिकेशन देख लीजिए MSc लाइफ साइंस में होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो इनमें से आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपना PG या MSc क्वालिफाई किया है या कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो दूसरा हम देख लीजिए GRF केमिकल या नैनो या मटेरियल साइंस के लिए, इसके लिए टू पोजिशन है, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, फेलोशिप एज पर फेलोशिप अवार्डिंग एजेंसी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन इसमें MSc इन केमिकल साइंस से, बायोलॉजिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेज। वहीं अगर थर्ड पोजीशन देखिए जीआरएफ की केमिकल साइंस के लिए, तो इसके लिए भी टू पोजीशन है, एज लिमिट 28 ईयर्स, फेलोशिप एज पर फेलोशिप अवार्डिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है MSc इन केमिस्ट्री, चाहे वो आप जनरल से किए हो, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल या किसी और भी केमिस्ट्री से, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में जीआरएफ करना चाहते हैं तो पोजीशन 3 निकली है, तो 3 पोजीशन इन्होंने निकाली है, तो फेलोशिप एज पर फेलोशिप अवार्डिंग एजेंसी, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं किसी के लिए, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ये फेलोशिप फंडेड बाय सीआर फॉर इंटरनल R&D प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ठीक है। आप देखिए इन्होंने क्या किया है, कुछ अपना खुद की फेलोशिप भी वो देंगे। अगर आप आरए के लिए अप्लाई कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी या सिंथेटिक बायोलॉजी में, जो वैकेंसी वन है इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है और जो फेलोशिप आपको मिलेगी वो रहेगी 47,000 पर मंथ प्लस HRA एज एडमिसिबल और हॉस्टल फैसिलिटी इफ अवेलेबल। तो आप RA1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इसका टेन्योर रहेगा वो 1 ईयर रहेगा और इवेल्यूएशन के बाद उसे बढ़ाया भी जा सकता है। और जो क्वालिफिकेशन है वो मांग रहे हैं PhD आपकी होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबल बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर होना चाहिए फर्स्ट ऑथर में किसी भी साइंस जर्नल में,
ठीक है। या अगर आपने एमटेक कर रखा है बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आपको इसके साथ या 3 ईयर का मिनिमम रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रिफरेबली आपका जो है एक रिसर्च पेपर होना चाहिए फर्स्ट ऑथर का। इसके बाद सेकंड पोजिशन आर ए की वन की है, जो केमिकल इंजीनियरिंग में, इसमें भी सेम है, 47,000 पर मंथ आपका जो फेलोशिप मिलेगा, और साथ ही साथ जो एच आर ए आपका मिलता है वो मिलेगा, और इसमें जो क्वालिफिकेशन हो पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, इन्होंने जो है फेलोशिप अंडर एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट एस या मोहाली, उसके लिए भी पोजीशन निकाल ली है। तो जेआरएफ का जो है उसका वन पोजीशन, प्रोजेक्ट टाइटल भी इन्होंने मेंशन किया है, बेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड बायोप्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू फॉर इको सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स एंड बाय प्रोडक्ट। तो इसको जो फंड मिला है वो डीएसटी की तरफ से मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, एज लिमिट 28, 6 ईयर, और साथ ही साथ इन्होंने क्या है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी आपको मेंशन करके दिया है, और आपको यहाँ पे जो फेलोशिप मिलेगी वो 31,000 मिलेगी, और एचआरए एड एडमिसिबल। साथ ही इन्होंने क्वालिफिकेशन भी लिखा है, एमएससी इन लाइफ साइंसेस आपका होना चाहिए, चाहे वो बायोलॉजी से हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, चाहे बायोकेमिस्ट्री, किसी से भी आपने किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका इन्होंने दूसरी पोजिशन भी जेआरएफ की निकाली, जो कि केमिस्ट्री में निकाली है, जिसका जो प्रोजेक्ट टाइटल उन्होंने दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रो रेसिड्यू राइस स्टोन टू डाउन स्ट्रीम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रिकर्सर फॉर बायोप्लास्टिक विद नैनो पार्टिकल इनकैप्सुलेटेड जियोलाइट। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का भी नाम दे रखा है, ड्यूरेशन अप टू 2 मार्च 2021 है, और साथ ही इन्होंने फेलोशिप भी मेंशन की 31,000, जो कि नॉर्मली जेआरएफ की फेलोशिप होती है। इसके बाद ही बात और भी पोजिशन में निकाली, देखिए तो आप अगर इनके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फेलोशिप भी मिलेगी, तो उन्होंने फेलोशिप मेंशन किया 31,000, और साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ नेट गेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पोजीशन है, आप इन सब में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर भी इन्होंने मेंशन किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको रिलेवेंट एजुकेशन, जैसे कि अपना एमएससी का डिग्री, साथ ही साथ अगर आपके पास नेट है या गेट है तो उसका डिग्री, और अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखा है, आरए की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आपको सेंड करना है बाय 15 सितंबर। इसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये इंटरव्यू जो है वो मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड पे ही होगा, और साथ ही साथ आपको नो डेट नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन रिक्वायर। तो इसके लिए अच्छी बात ये है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, आपको बस अपने जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सबको सीआर रिक्रूटमेंट 5320200@gmail.com पे सेंड करना है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और आपसे बाद आपका जो इंटरव्यू है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे और एलिजिबिलिटी थी, जो कि आप अगर फॉलो कर रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि सीआरएफ में जो है जेआरएफ की पोजीशन, आरए की पोजीशन, जेआरएफ अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है तो उसकी पोजीशन अलग है, और अगर आपको एक्सटर्नली फंडेड अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसके लिए जो फेलोशिप है वो अलग है। तो अगर आप इनके लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।